नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ आज कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक 9:30 पर दिल्ली से रवाना होंगे, जिसके बाद सीएम योगी मथुरा जाएंगे। मथुरा में सीएम योगी जीएलए यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शामिल होंगे। इसके साथ ही सीएम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करेंगे। वहीं सीएम योगी G20 आयोजन के संबंध में निरीक्षण करेंगे और मेट्रो टनल बोरिंग का शुभारंभ करेंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सीएम योगी के आज कई कार्यक्रम है, कौन कौन से कार्यक्रम है, क्या कुछ पूरा शेड्यूल है? देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय लगातार अलग अलग शहरों के दौरे पे जा रहे हैं। G20 के समक्ष में जितनी भी तैयारियां हैं उनका जायजा भी ले रहे हैं। कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लखनऊ के वृंदावन योजना का भी वहां जाके उनकी तैयारियों का निरीक्षण लिया, सारी चीज़ों को देखा कि कितनी तैयारियां हैं G20 और GIS को लेके, इन सब का निरीक्षण लिया। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तकरीबन 9:30 इस समय यूपी सदन दिल्ली से रवाना हो चुके हैं और 9:45 के करीब जो है सफदरगंज एयरपोर्ट पहुंचेंगे। उसके बाद लगभग 11:00 वो मथुरा के जो GLA यूनिवर्सिटी है, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक कार्यक्रम में जाएंगे, शिरकत करेंगे और वहाँ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12:10 पर GLA मथुरा से वो आगरा जाएंगे, GLA यूनिवर्सिटी निकल के फिर वो आगरा जाएंगे और G20 के संबंध में जो तैयारियां हैं उनका निरीक्षण करेंगे। भूमिगत रेलों की जो खुदाई का मामला है, कितनी तैयारियां वहां पे भूमिगत मेट्रो की चल रही है उसका निरीक्षण करेंगे। उसके बाद 12:45 की अगर बात करें तो मेट्रो टनल बोरिंग का वो शुभारम्भ भी करेंगे। विवेक, सीएम योगी कई कार्यक्रम में शामिल होंगे, इसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा के कैसे इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? देखिए मुख्यमंत्री का जो प्रोटोकॉल होता है उनके साथ जो है सिक्योरिटी की व्यवस्था रहती है। उसके बाद जहां वो जाएंगे जिला प्रशासन उसके लिए तैयार रहता है हर जगह के, तो मथुरा का जिला प्रशासन पूरी तरीके से तैयार है मुख्यमंत्री के लिए। इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं तो आज से ही योगी आदित्यनाथ का मिशन त्रिपुरा भी शुरू हो चुका है और आज से 2 दिवसीय दौरे पर वो त्रिपुरा में जाएंगे। त्रिपुरा विधानसभा में कई जनसभाएं करेंगे। हम आपको बता दें कि 2023 में त्रिपुरा सहित कुल 8 जगहों पर विधानसभा चुनाव होने हैं, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बेहतरीन जीत के साथ हर जगह सत्ता पाने की उम्मीद है और लगातार संगठन इस कार्य को कर रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय त्रिपुरा दौरे पर रहेंगे, विधानसभा चुनाव में जनसभाएं करेंगे और त्रिपुरा में भाजपा के लिए प्रचार भी करेंगे, ताकि विधानसभा चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी इन राज्यों में चुनकर आ सके। जी धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। दिल्ली में आज लोकसभा और राज्यसभा की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई है। जानकारी के मुताबिक संसद में विपक्षी दल की बैठक 9:30 से शुरू होगी। विपक्ष की तरफ से इस बैठक में कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और अहम फैसले लिए जाएंगे। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, दिल्ली में आज लोकसभा और राज्यसभा की रणनीति तैयार करने के लिए विपक्ष की तरफ से बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए मयूरी, लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष की बैठक बुलाई गई है। करीब 9:30 बैठक बुलाई जानी थी और जिस तरीके से आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव होना है और 9 विधानसभा के राज्यों में चुनाव होना है, उसके लिए ये विपक्ष की बैठक अहम मानी जा रही है। अभी कुछ दिन पहले ही केंद्र सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया था, जो कि देश का 75वां बजट था, जिसमें तमाम विपक्षी पार्टियों ने हो हल्ला किया और तमाम जो है सरकार की नीतियों का विरोध किया कि इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं है,
इसमें स्वास्थ्य के मुद्दे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है, इसमें रोजगार का सवाल नहीं है, महंगाई और बढ़ रही है और अभी कुछ दिन पहले ही दूध कंपनियों ने बड़े दाम बनाने शुरू कर दिए हैं। तो विपक्ष की यह बैठक सरकार को घेरने के लिए है, सरकार की नीतियों को गलत नीतियों को घेरने के लिए किस प्रकार से सदन में उसका घेराव कर सके, क्योंकि हमने देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा की सदन की कार्यवाही लगातार स्थगित होते हुए भी इस प्रश्नकाल में देखी है, स्थगित भी लगातार हो रही थी और सदन अच्छे तरीके से चल नहीं पा रहा था। तो आज विपक्ष ने लोकसभा और राज्यसभा विपक्ष ने एक बैठक बुलाई है, इस बैठक में कई अहम मुद्दों पे चर्चा हो सकती है कि किस प्रकार से सरकार की नीतियों का सदन में इस प्रकार से घेराव करें कि सदन चलता भी रहे और सरकार का घेराव भी और सरकार को जवाबदेही भी देनी पड़े कुछ चीज़ों पर, कुछ मुद्दों पर। मयूरी विवेक, तो जो इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी वो कौन से मुद्दे होंगे और कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे, वो कौन से फैसले होंगे? देखिए, चर्चा इस बैठक में कई अहम मुद्दे पे होगी। अभी ये कहना जल्दबाजी होगा कि किन किन मुद्दों पर फैसला लिया जा सकता है, ये बैठक के बाद ही पता चल जाएगा कि क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे पहला मुद्दा तो यही होगा, जो केंद्र सरकार ने बजट पेश किया है और लगातार केंद्र सरकार अपने मंत्रियों को जिले जिले शहर शहर में बजट की विशेषताएं बताने के लिए भेज रही हैं, तो इस प्रकार से सरकार की जो गलत नीतियां हैं उसको विपक्ष लेके कड़ा रुख अपना रहा है, उन नीतियों का विरोध करने के लिए कड़ा रुख अपना रहा है और सदन में लगातार जो है इस पे चर्चा भी कर रहा है, जिससे सदन भी बाधित रहा था, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों सदन लगातार बाधित रहे थे इस पे और लगातार प्रश्न जो है सरकार से पूछा जा रहा है। इसके अलावा जो किसानों का मूल्य है, किसानों का मामला है, MSP की बात है, गन्ना के मूल्य की बात है, पेराई का आधा से ज़्यादा समय बीत चुका है लेकिन अभी तक उस पर MSP को कोई चर्चा नहीं है, लगातार जो है किसान आंदोलन भी कर रहे हैं, इसको लेकर लगातार किसान नेता अपनी बात भी उठा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य अगर बात की जाए तो रोजगार का मुद्दा हो गया, महंगाई का मुद्दा हो गया, इस पर भी लगातार चर्चा हो ही रही है। दूसरी बड़ी बात, जो गौतम अडानी जिस तरीके से उनके शेयर गिरे हैं, APF का पैसा उन्होंने निवेशकों को लौटाया है और टॉप 15 अमीरों की लिस्ट से बाहर हुए हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश गौतम अडानी के मुद्दे पर भी विपक्ष की रहेगी, जिसपे वो रणनीति बना रहा है कि किस प्रकार से जनता के बीच इस मुद्दे को लेके जाया जाए और सरकार को घेरा जाए, क्योंकि आने वाले समय में एक साल का समय आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बचा है। अगर विपक्ष अभी से तय रणनीति बनाकर सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति अगर हमलावर नहीं होता है तो आने वाले समय में उसको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मयूरी, विपक्ष के पास कई ऐसे मुद्दे हैं विवेक जिससे सरकार को विपक्ष घेर सकती है आज। धन्यवाद विवेक तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।